गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है वेडनेसडे। कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि उर्वी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो फिर मैंने शूट नहीं किया। बट मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग जो है शुरू कर देते हैं। तबीयत तो खैर उसकी अभी भी ख़राब है, उसकी थोड़ी टांग ट्विस्ट हुई है शायद, और कल वो अपना पैर और पेट भी टच नहीं करने दे रही थी, तो मुझे लगा कि शायद उसके पेट में दर्द हो रही है। बट फिर समझ में आया कि उसके पेट में दर्द नहीं है। और कल हम फिर शाम को उसको लेके गए थे डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे भी मैंने डॉक्टर को यही बोला कि उसके हो रही है पेट में दर्द, तो उन्होंने उसी हिसाब से दवाई दी। खैर उसको फीवर भी था तो फीवर की भी दवाई दी थी। फिर जब घर आए फिर मैंने उसको पूरा जैसे हर एक ऐसे पैर वगैरह हिला के वैसे देख रही थी, क्योंकि ठीक ही नहीं हो रही थी। तो फिर जब देखा तो मुझे समझ आया कि उसके पैर में दर्द हो रही है, टांग में दर्द हो रही है, जो कि वो जैसे खेलते खेलते बच्चे वो करते रहते हैं ना ऐसे आगे पीछे पैर, मुझे लगा उसकी टांग में कुछ ट्विस्ट हुआ है, तो वो उसकी वजह से उसको दर्द है। तो अभी हम उसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल, लेकिन पहले नीरज ऑफिस जाएंगे उसके बाद, क्योंकि सुबह सुबह हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश रहता है, 10:30 बजे तक मतलब पर्ची के लिए भी बहुत लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता है। तो फिर 10:30 बजे के बाद निकलेंगे। और कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत भयानक, जिसको बोलते हैं बादल वगैरह, इस तरीके के गरजे हैं ना, और बिजली बहुत ज़ोर ज़ोर से कड़क रही थी, एकदम ख़तरनाक। और कल रात से लेके लाइट भी नहीं, अभी 2 मिनट के लिए लाइट आई थी वो भी चली गई। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग शुरू कर देते हैं। कल तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे बच्चा परेशान होता है ना तो फिर अपना मन भी उदास रहता है। अभी वो थोड़ा ठीक है, मतलब बुखार थोड़ा ठीक है उसका दवाई की वजह से, बट टांग में उसको अभी भी दर्द है। देखिए क्या बोलते हैं डॉक्टर, क्या नहीं बोलते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल छत पर आई हूँ पानी की टंकी चेक करने के लिए। मौसम अभी भी ये देखिए ख़राब ही बना हुआ है, पर मतलब वैसे 2 दिन के लिए हाई अलर्ट है बारिश के, आज और कल के लिए, पर कल रात बहुत भयानक बारिश हुई है, बहुत नुकसान जो हुआ होगा कहीं ना कहीं। चलिए पानी चेक कर लेते हैं। वैसे ऐसा लग रहा है सूरज चमक रहा है बादलों के बीच में, ज़रा सा ऐसा लग रहा है 0 वाट का बल्ब नहीं होता वैसा। चलिए पानी चेक करती हूँ फिर जाती हूँ नीचे। अब तो इतनी बारिश हो रही है कि इस पेड़ का भी मुझे डर ही लग रहा है कि कहीं ये पेड़ गिर के, यहाँ पर नीचे गाड़ियाँ लगी रहती हैं सबकी, इस पर ना गिरे। और ये वाला पेड़ देखो एकदम टेढ़ा मेढ़ा है, और अभी नीचे अमरूद लगना शुरू हुए तो बंदरों ने बहुत जो है परेशान कर लिया, नाक में दम कर दिया। यहाँ पे मेरा अमरूद का पेड़ जिसमें अमरूद लगने से पहले ही बंदर खा जाते हैं, पर सुबह सुबह मुझे आदित को स्कूल छोड़ना होता है तो उस टाइम पे बंदर बहुत परेशान करते हैं, काटने दौड़ते हैं एकदम। और ये देखो सामने का व्यू हरा भरा है, लेकिन क्या कहें, पहाड़ जितने सुंदर लगते हैं उतने ही नुकसान भी करते हैं। सब कुछ दिखा दिया तो चलो धौलाधार भी दिखा दे तू, अभी तो दिख रही है, 5-7 मिनट के बाद फिर गायब हो जाएंगे। आज बनी है आलू गोभी, और ये चाय बनाई थी मैंने, इसके बर्तन जो है रख देते हैं यहाँ पे धोने के लिए। चपाती बन के रेडी है, ये रहा नीरज का टिफिन, रेडी हो गया है, और तवे को पहुंचा देते हैं उसके ठिकाने पे। ये जो किचन की शेल्फ है ना, इसके लिए मैंने वो मंगाया, शेल्फ कवर्स होते हैं ना वो मैट, वो मंगाए। पता नहीं 5 मीटर का है वो, इसमें आ जाएगा कि नहीं, दोनों के लिए होगा कि नहीं, क्योंकि ये मैंने वो कैलेंडर का वो बिछा रखा है। फिलहाल देखते हैं, जब तक पेंट नहीं होता तब तक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये है बात। सवा 10 हो गए हैं और 10:30 का मुझे टाइम मिला है, नीरज ने बोला था कि 10:30 बजे एग्जैक्ट आ जाएंगे, तब तक के लिए रेडी रहना है। तो मैं नहा आ गई हूँ, बस बिंदी बिंदी लगा के रेडी, और भी तो रेडी है, बस उसको मैं खाना गर्म कर रही हूँ, क्योंकि उसका खाना मैं सुबह ही बना देती हूँ। तो अभी मैं भी करूँगी ब्रेकफास्ट और उसको खिलाऊँगी, उसको दिखा देती हूँ मैं एक मिनट। तो ये रही उर्वी, आज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे इसका मैंने 2-4 दिन से फ़ोन कम कर दिया था, बट अभी ये परेशान है तो इसको बिजी रखने के लिए इसे मैंने दे दिया है। ठीक है, मेरी अरु भी रेडी है, सब लोग विश करो कि मेरा गुड्डू जल्दी जल्दी ठीक हो जाए ना।
खा लेते हैं खाना। तनु अभी सोया हुआ है और उसके लिए मैंने बना के रखा है ब्रेकफास्ट। सोया हुआ है अभी तो वो तो खा लेगा, खुद उठ के लेना ही है बस खाना, क्योंकि बना तो मैंने दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग है और सुबह के बज रहे हैं 7:45 और सुबह सुबह ही मैं छत पे आदित को स्कूल भेजा, उसके बाद ये सारे कपड़े जो मैंने कल हॉस्पिटल से आके धोए थे ये सूखने के लिए डाले हैं, यही नहीं ये देखो यहाँ पे भी। तो ये सारे कपड़े जो है कल मैंने हॉस्पिटल से आने के बाद धोए, और कल मेरा बिल्कुल भी जो है व्लॉगिंग करने का ना तो मुझे टाइम मिला और ना ही मेरा मन भी था व्लॉग करने का। और उर्वी जो है फ़िलहाल अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक ही समझ लो, कुछ नहीं हुआ था। उसकी थोड़ी सी जो है मसल में खिंचाव आ गया था जिस वजह से वो पैर नीचे नहीं लगा रही थी अपना, बिल्कुल भी टांग नीचे नहीं लगा रही थी। उसे डॉक्टर ने कोई दवाई वाई तो नहीं दी, बट हाँ ये कहा कि थोड़ा सा उसको गर्म पानी के सेक वगैरह देते रहना। तो मैंने रात को जो है उसको थोड़ी देर के लिए बाथटब में गर्म पानी में डाल दिया था। अभी जो है ठीक है, वो सो रही है, सोई नहीं है, जाग गई है। वैसे नीरज है उसके साथ, पर सोचो कि आज मौसम धूप निकल रही है, कल तो बिल्कुल धूप नहीं थी, अभी धूप शुरू हो गई है। ये देखो आप, अभी उतनी तो नहीं आई है पर हाँ कपड़े डाल दिए मैंने छत पे, इस साइड नहीं आई है, उस साइड देखो आप, उस साइड धूप आ गया। तो मैंने कहा चलो कपड़े छत पे डाल देते हैं, फिर ये है कि दिन में आराम से अगर 11-12 बजे तक भी धूप रहती है तो 11-12 बजे तक भी ये सूख ही जाएंगे। और अब मैं बनाऊँगी चाय। कल वैसे भी जैसे हॉस्पिटल से आए उस पर इतने सारे कपड़े धोए, फिर मैं थक गई, मुझे ठंड लग गई तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। और फिर उसके बाद मेरे एक और देवर यानी कि नीरज के जो मामा जी है उनका बेटा है वो आया था थोड़ी देर के लिए, तो बस वो था। फिर को रात को बस में बिठाया 9:30 बजे, फिर भी खाना वाना बनाया जल्दी जल्दी, तो व्लॉगिंग करने का वैसे भी टाइम नहीं मिला। पर ये भी होता है कि कई बार बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एक दो दिन उसको मेरी ज़रूरत थी उर्वी को, तो फिर उस टाइम पर मैंने बिल्कुल भी व्लॉगिंग के लिए ऐसा फ़ोन उसके सामने नहीं उठाया। हाँ कल सुबह थोड़ी देर के लिए जब वो ठीक थी उस टाइम पे तब मैंने शुरू की थी व्लॉगिंग। तो चलिए चाय वाय बना लेते हैं अभी और मिलते हैं आपसे चाय बनाते हुए। आ ही गए हैं छत पे, तो चलो आपको छत के जो नज़ारे हैं वो भी दिखा देते हैं, छत के नज़ारे नहीं मौसम के नज़ारे। ये देखो जितना ये शांत और सुंदर अभी लग रहा है ना, उतने ही इस बार नुकसान देखे गए हैं आपका पहाड़, जो लोग बोलते हैं ना माउंटेन्स आर कॉलिंग है ना, भैया माउंटेन कॉल नहीं करते, माउंटेन तो नुकसान ही करते हैं। तो पहाड़ों पे आने का टाइम जो है तब होता है जब ना बर्फ़ वाला टाइम हो और ना बारिश वाला टाइम हो, उसके अलावा जब भी मौसम साफ होता है तो पहाड़ों पे आने का बेस्ट टाइम वही होता है, क्योंकि जब स्नोफॉल के टाइम पे आता है तो सड़कों में शीशा जम जाता है, तो वैसे ही टायर फिसलते हैं, गाड़ियाँ फिसलती हैं। बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बाद जो आगे पीछे का मौसम है वो बेस्ट है, उसमें आप आ सकते हो। तो जी पूरा घर क्लीन भी हो गया है और
बस ब्रेकफास्ट करना बाकी रहा है, बाकी जो ब्रेकफास्ट के बर्तन होंगे वो धुलने के लिए रहे, बाकी झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है सबके रूम का, क्योंकि तनु भी उठ गया है तो आज इसका रूम भी, इनका रूम भी क्लीन हो गया और तनु का रूम भी जो है थोड़ी देर के लिए उसमें रखी है मैंने बाथ टब में खेलने के लिए, बिल्कुल कम पानी है, अदरवाइज जब मैं सामने होती हूँ तो पूरा टब भर के रखती हूँ, जब मैं इसे थोड़ी देर के लिए लास्ट में खेलने के लिए रखती हूँ तो पानी की जो वो है मात्रा कम कर देती हूँ, फिर वो आराम से जग से पानी गिराती रहती है, कुछ कुछ ऐसा करती रहती है, बस लगी हुई है अभी भी, जग से पानी उठाएगी उसमें नीचे गिराएगी फर्श पे, ये सब कुछ लगा रहता है, बस मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है अभी, इसको करा दिया है उर्वी को, खुद नहीं किया है, तो सोचो इसके लाने से पहले इसको इसकी बॉटल रेडी करके ले आती हूँ दूध की, ताकि फटाफट फिर दूध पिए और सो जाए। तो ये जो व्लॉग है ना ये कुछ खास तो लंबा लंबा क्या मतलब प्रॉपरली बन नहीं पाया, बट जितना भी बना है उतना आप लोगों के सामने पेश है ना, तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मिलते हैं कल नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोज़ देखते रहिए।